हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोरस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूं। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को आप जेंट्स, लेडीज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 10 के मल्टीपल देखिए, 10 फंदे गिन लीजिए, फिर से 10, फिर से 10, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 10 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी प्रोजेक्ट के फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कार्डिगन और जैकेट पर इस डिजाइन को अप्लाई करने के लिए आप इस तरह से कोई भी स्कैलप बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद इस डिजाइन को अप्लाई कीजिए। ये जो बॉर्डर डिजाइन है, इसकी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड की हुई है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से इसे आप देख सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 23 फंदे, 10 दूनी 20 और 3 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई हुई है। डिजाइन की ये पहली सिलाई है, तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगी। पहला फंदा इसका एस्टिच है, उतारिए या बनाइए ये आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 1, 2 और ये 3। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे कीजिए और 7 फंदे आप सीधे बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3, धागा पीछे और 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। आपके जितने भी फंदे हों, इस डिजाइन को ऐसे ही रिपीट करते जाइए। लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे, धागा अपनी तरफ करके आप इन्हें उल्टा बनाइए, 1, 2 और ये 3। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। इस डिजाइन की उल्टी सारी सिलाइयां उल्टी ही बनेंगी, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 2 सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाइए तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई ठीक पहली सिलाई के जैसे ही बनेगी। तो देखिए, धागा अपनी तरफ करके 1, 2 और ये 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस डिजाइन को रिपीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3, धागा पीछे और 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और लास्ट के 3 फंदे उल्टे। 3 सिलाइयां डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी सिलाई उल्टी साइड से। धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 4 सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। पांचवी सिलाई और सीधी साइड पर। पांचवी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि पांचवी सिलाई पर अब हमारा ये डिजाइन बनेगा। तो पहला फंदा एस्टिच है, उतारिए या बनाइए, 1, 2 और ये 3 फंदे इस तरह से उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ही रहे और इस फंदे को इस तरह से सीधा बना देंगे, तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। अब एक फंदा और सीधा बना देंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 1, 2 और ये 3, इन 3 फंदे का एक फंदा इस तरह से उल्टा बना देंगे। तीनों को ऐसे लीजिए और एक फंदा उल्टा बनाइए, धागे को पीछे कीजिए और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस तरह से सिलाई पर लपेट कर एक जाली डाल देंगे। यहाँ पर हमने जो 3 का 1 किया, तो जाली से एक फंदा यहाँ बढ़ गया और एक यहाँ बढ़ गया, तो फंदे हमारे बराबर हो गए। फिर से इस डिजाइन को रिपीट करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ ही रहे और ये देखिए, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। अब एक फंदा और सीधा,
धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन का एक करेंगे, एक दो और ये तीन, इन तीनों को इस तरह से सिलाई पर लेंगे और तीन फंदे का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। धागे को पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर इस तरह से जाली डाल देंगे और लास्ट के तीन फंदे उल्टे। पांच सिलाइयां डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। छठी सिलाई उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, छह सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं, सातवीं सिलाई है और सीधी साइड है। सातवीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, ये तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन। धागे को पीछे करेंगे और ये देखिए, ये जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसको ऐसे सीधा बना देंगे। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे, अब एक फंदा ये सीधा, तो ये देखिए यहाँ जाली से एक फंदा बढ़ गया। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, देखिए एक दो और ये तीन, इन तीन फंदे का एक फंदा यहाँ उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दो फंदे जो कम हुए हैं, जाली से एक इधर बढ़ गया, एक यहाँ बढ़ेगा। तो धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये जो जाली से बना हुआ फंदा है इसे सीधा बनाएंगे, तो यहाँ फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बनाया इसी को रिपीट कर देंगे, तीन फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे करेंगे और ये जो जाली से बनाया हुआ फंदा है इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ और एक फंदा ये सीधा, तो यहाँ फंदा बढ़ गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक दो और ये तीन, इन तीन फंदे को एक साथ लेंगे और तीन का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, तो यहाँ फंदा बढ़ गया और लास्ट के तीन फंदे उल्टे। सात सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। आठवीं सिलाई उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। आठ सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। नौवीं सिलाई है और सीधी साइड है। नौवीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, तीन फंदे ये उल्टे, एक दो और ये तीन। धागे को पीछे कीजिए और ये देखिए जाली से जो फंदे बनाए हैं, एक और ये दो। दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ ले आइए, इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल दीजिए, एक दो और ये तीन। इन तीन फंदे को आप इस तरह से एक साथ लीजिए और तीन का एक कर दीजिए। धागा अपनी तरफ ही रहे, एक दो, और धागा अपनी तरफ करके ये जाली से जो बने हुए फंदे हैं इनको सीधा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ फंदा बढ़ गया और ये दूसरा फंदा भी सीधा। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बनाया इसी को रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और ये जाली से बने हुए दो फंदे सीधे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर इस तरह से एक जाली डाल देंगे, एक दो और ये तीन। इन तीन को एक साथ लेंगे और एक फंदा उल्टा बना देंगे। धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे, तो फंदा बढ़ गया और इस फंदे को भी सीधा। लास्ट के तीन फंदे इसके उल्टे आएंगे। नौ सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। दसवीं सिलाई उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 10 सिलाइयों में डिजाइन ओवर हो जाता है। यही 10-10 सिलाइयाँ इसमें बार बार रिपीट करने हैं। तो चलिए इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ये देखिए, तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन। धागा पीछे, सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपीट करेंगे। तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन। फिर धागा पीछे और सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, और लास्ट के तीन फंदे इसके उल्टे आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट बार की यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी है। जैसे नीचे हमने 10 सिलाइयाँ बनाई, अब इन्हीं को आप बार बार रिपीट करते जाइए। जब आप बार बार इन्हीं 10-10 सिलाइयों को रिपीट करेंगी,
तो आपका इस तरह से ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।